रायपुर से अगली खबर बता रहे हैं आपको, बीजेपी का बस्तर से जमावड़ा, आज अरुण साव और नारायण चंदेल करेंगे दौरा। सुकमा में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, दंतेवाड़ा में पदाधिकारियों के साथ करेंगे मंथन, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बीजेपी का बस्तर में जमावाड़ा होने वाला है आज। आपको बता दें अरुण साव और नारायण चंदेल इसका दौरा करेंगे, सुकमा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, बता दें दंतेवाड़ा में पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे अरुण साव और नारायण चंदेल, और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको रायपुर से, बीजेपी का बस्तर में जमावाड़ा होने वाला है आज, जिसमें अरुण साव और नारायण चंदेल दौरा करने जाएंगे, सुकमा में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, दंतेवाड़ा में पदाधिकारियों के साथ भी मंथन करेंगे, जीत का मंत्र भी देंगे सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को। रायपुर से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी के ऑफिस से, रायपुर के बीजेपी के ऑफिस से बीजेपी का जो है बस्तर में आज जमावाड़ा होने वाला है, और आज अरुण साव और नारायण चंदेल जो है जो दौरा करेंगे इसका बस्तर में, सुकमा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने जाएंगे अरुण साव नारायण चंदेल, दंतेवाड़ा में पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे, जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देंगे अरुण साहब और नारायण चंदेल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लिए चलते हैं नदीम के पास, आपको रायपुर, रायपुर से नदीम जुड़े हैं। नदीम, ये बताएं कि आज जो अरुण साव और नारायण चंदेल हैं बस्तर में जमावाड़ा होने वाला है बीजेपी के पदाधिकारियों का, और सुकमा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, क्या अपडेट है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि मिशन 2023 में तमाम राजनीतिक दल, जहाँ सत्ताधारी दल कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर पर काम कर रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है भेंट मुलाकात के जरिए जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, एक्शन पे सरकार जहां नजर आ रही, वहीं विपक्ष भी अब जो है मिशन 2023 को लेकर के जो है वो कमर कसती हुई यहां पर नजर आ रही है। हम देख सकते हैं कि 5 दिवसीय दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष चंदेल जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। ये दोनों जो है 5 दिवसीय दौरे, बस्तर दौरे पर है। यहाँ पर वो जो है बीजेपी 2023 मिशन के लिए बस्तर से शुरुआत यहाँ पर कर रही है, बूथ से यूथ तक पहुंचने का जो एजेंडा है उसको यहाँ पर मजबूत कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर को सत्ता की चाबी कहा जाता है, और इसी चाबी की तलाश में, इसी चाबी को पाने के लिए जो है बीजेपी अब बस्तर की ओर रुख कर चुकी है। 12 विधानसभा सीटों को 3 श्रेणियों में यहाँ पर बैठक होगी, इस 3 श्रेणियों में जो है वो बैठक होगी, और ए बी सी इन 3 कैटेगरियों में इसको जो है बनाया गया है, क्योंकि ए श्रेणी में ऐसी सीट को रखा गया है जहां से भाजपा विधानसभा चुनाव में जीत सकती है, बी श्रेणी में उम्मीदवार की टक्कर जिसमें है और थी, ऐसे सीटों को रखा गया, और सी श्रेणी में
कमजोर सीटों को रखा गया है, तो तीन सीढ़ी में बीजेपी यहां पर बैठक करने वाली है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जो है पार्टी ए श्रेणी में जगदलपुर, नारायणपुर, अंतागढ़ को रखा है, क्योंकि जगदलपुर के 1993 के चुनाव के भले ही तीन बार कांग्रेस और भाजपा की जीत हो, लेकिन यहां से पार्टी की उम्मीद है। 2003 में और 13 में भाजपा की जीत हुई थी, कांग्रेस की लहर में पिछले चुनाव में सीट कांग्रेस के पाले में चले गई थी। वही अगर 20 श्रेणी की अगर बात करें हम, तो बीजापुर, चित्रकूट, बस्तर, केसकाल, कांकेर, भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट को यहां पर रखा गया है, क्योंकि बीजापुर, चित्रकूट और बस्तर के को रखा गया है। यहां बीजापुर में 1993 से अब तक चुनाव में तीन बार भाजपा और तीन बार कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं बस्तर सीट पर एक बार दो भाजपा की जीत है मिली है। शीर्ष श्रेणी की बात करें तो सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, भानुप्रतापपुर इनको रखा गया है। ये ऐसी सी कैटेगरी की ऐसी सीटें हैं जहां पर कमजोर सीटें बीजेपी मान के चल रही है, इसको किस तरह से मजबूत करना है। क्योंकि पिछले हमने तीन साल में देखा है कि बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ जो है वो टक्कर रहती थी। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में 2003 से 13 तक 6 से 8 सीट पर जीत लगातार भाजपा को यहाँ पर मिलती रही। पिछले चुनाव में हम देखेंगे कि कांग्रेस की लहर में 12 में से 11 सीट कांग्रेस के हाथ में थी। एक सीट जो है वो भीमा मंडावी जो है भाजपा के विधायक थे, उनके खाते में गई, भाजपा के खाते में गई। नक्सलियों की हत्या के बाद वहां उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में जो है वह सीट कांग्रेस के पाले में यहां पर गई है। देवती कर्मा वहां से जीती है। बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महंत कर्मा की पत्नी है, कद्दावर कांग्रेस की नेत्री, उन्होंने जीता है। तो इस वक्त बस्तर की अगर स्थिति का अगर हम जायजा ले तो 12 में से 12 सीट कांग्रेस के पाले में। तो ऐसे में बीजेपी वहां अपनी जमीन तलाश कर रही है, युवाओं को मौका देगी, युवाओं के जरिए कहीं ना कहीं भाजपा जो है इन सीटों पर मंथन करेगी। भाजपा कार्यकर्ता, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को अनदेखी की जो बात कही जा रही थी उससे बीजेपी अब कार्यकर्ताओं को साधने की तैयारी में भी है। क्योंकि मिशन 2023 में कार्यकर्ताओं की अहम जिम्मेदारी होगी, तो कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां पर देकर के मिशन 2023 के लिए बस्तर से तलाशने में बीजेपी निकली हुई है। बिल्कुल ठीक नदीम, बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। नदीम,